ज़ीनत मसनद सैयद अमानत साहब, हमारे मेहमान शुअरा का इस्तकबाल करें। सबसे पहले जो हमारे मुकर्रर हैं आज के और इंशाल्लाह बहसियत शायर भी आप उन्हें सुनेंगे, मौलाना आज़म खां सुल्तानपुरी साहब। सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना अमानत साहब और जावेद भाई इस्तकबाल करें मौलाना का। ये प्रोग्राम ग्राफ एजेंसी के हवाले से पूरी दुनिया में लाइव है। आप लोग उसका लिंक अपने साथियों को जो दूर दराज कहीं रहते हों उन्हें सेंड कर सकते हैं, और जिन लोगों ने ग्राफ एजेंसी का चैनल सब्सक्राइब किया हुआ उनके पास नोटिफिकेशन आएगी। आप उस लिंक को फॉरवर्ड कर सकते हैं, दुनिया में जहां चाहें आपके साथी आपके इस प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं। ये जश्न लाइव हो रहा है। आइए हजरात हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना अमानत साहब एक मरतबा फिर इस्तकबाल करें हमारे मेहमान शायर खुर्रम साहब का और वसीम साहब मुजफ्फरनगरी का। आप लोग दुरूद भेजते रहें ज़रा सा ये सिलसिला। भाई वसीम साहब की अमानत भी आप इन्हीं सौंप दें। आइए वसीम साहब तशरीफ लाएं। अकील अब्बास साहब हमारे मेहमान कलकत्ता से हैं, उनका भी इस्तकबाल करें। हाँ, अकील अब्बास साहब कलकत्ता से हमारे मेहमान हैं, उनका इस्तकबाल। अकील अब्बास साहब के बाद आलमी शोहरत याफ्ता शायर अहलेबैत जनाब सलीम बलरामपुरी साहब का इस्तकबाल करें। सलीम बलरामपुरी साहब, जिन्नात अदब बेताब हल्लौरी बादब बामुलायजा होशियार बाबा जबलन नारे सलवात से खारिज करते हैं। बेताब हल्लौरी साहब अपने मखसूस लहजे के लिए पूरी दुनिया में अपनी मुनफरिद पहचान रखते हैं। इंशाल्लाह वो जब शायरी करेंगे आप लोग सुनेंगे। आइए हजरात हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जिना जफराबादी साहब से, जो अपने मखसूस नहज के शायर हैं, बेहतरीन अंदाज बेहतरीन तरन्नुम बेहतरीन लहजा। लखनऊ से हमारे मेहमान हैं जनाब जिना जफराबादी साहब, उनका इस्तकबाल। अगर आपकी इजाज़त हो तो फखरी मेडी साहब का इस्तकबाल भी करवा दूँ मैं, एक सलवात पढ़ दें आप लोग। तिलावत कुरान के लिए हमारे मेहमान मौलाना समर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं गुजारिश करता हूँ अपने ज़ीनत मसनद जनाब अमानत हुसैन साहब से कि उनका भी इस्तकबाल करें। बाबा जब बुलंद आप सलवात पढ़ें। हजरात में सदारत के लिए इमाम जुमा मौलाना मुमताज़ जाफरी साहब का नाम पेश करता हूं। आप हजरात एक बाबा जब बुलंद नारे सलवात से मेरी तायीद कर दें, और मैं गुजारिश करता हूं कि उनका भी इस्तकबाल किया जाए। बाबा से बुलंद नारे सलवात। मेहमान खुसूसी जनाब सैयद अफजल अब्बास साहब, चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड बिहार, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल करें मौलाना बाबा से बुलंद नारे सलवात। आगे बढ़ते हैं। अरे अमान भाई खुद खींच दो जरा। सैयद अफजल अब्बास साहब, चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड बिहार, हमारे दरमियान मौजूद हैं मेहमान खुसूसी।
मैं अफजल अब्बास साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे जीनत मसनत मौलाना अमानत साहब का इस्तकबाल कर दें शॉल उड़ा के। जी सर जी, बावाज़ बुलंद नारे सलवार। अफजल अब्बास साहब हमारे शिया वक्फ बोर्ड बिहार के चेयरमैन हमारे मेहमान खुसूसी हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं, बबलू मासूमी साहब जो हमारे स्टेज पे मौजूद हैं, पूर्व चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड बिहार में, उनका खैर मकदम उनका इस्तकबाल के लिए गुजारिश करता हूं। कैमरा में देखिए ना, हो गया भाई।